Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends. So दोस्तों welcome back to this new video, fresh video with a topic एकदम जो नया start हम करने वाले हैं उसका नाम है prospectors। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को ये बता दिया है कि चैप्टर का कवरेज कितना है, कितने 20 से 21 सेक्शंस है, हम उनको किस फ्लो में पढ़ने वाले हैं, उस फ्लो में हम क्यों पढ़ रहे हैं मैंने वो भी आपको समझा दिया है और सेक्शन नंबर्स याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। 23, 28 और 30 ऐसा सबसे पहले हम देखने वाले हैं, सॉरी 28 नहीं, 23, 24 एंड 30। देन विल सी द टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टर्स। ऐसे मैंने आपको फेजेस में चैप्टर को बांट कर हमने समझ लिया है। नाउ इन दिस वीडियो आज हम सबसे पहले बेसिक समझने वाले हैं कि प्रोस्पेक्टस किस चिड़िया का नाम है, बराबर, और वो प्रोस्पेक्टस का यूज़ किया है, कौन इसे यूज़ करता है एंड व्हाट इज़ द पर्पस फॉर विच दिस डॉक्यूमेंट इज़ यूज्ड by any company। See, any company बोला है, we will see अभी कौन यूज कर सकता है कौन नहीं कर सकता। Okay guys, so let's get started with this topic। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक कंपनी बनी है और आप लोग अपने पेज पर टॉप पर जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज बड़े बड़े रेड पेन से लिख लीजिए पब्लिक कंपनी ओनली एंड प्राइवेट लिख के बड़ा सा कट मार दीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, दिस चैप्टर इज सोनली हम बात करेंगे पब्लिक कंपनी के लिए, ठीक है। जो प्राइवेट कंपनी के लिए क्या होता है बता दूंगा, पर आप पब्लिक कंपनी को हमेशा टॉप ऑफ योर माइंड पर रखिएगा इस चैप्टर को पढ़ते हुए। अब जो कंपनी है पब्लिक कंपनी है, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी है, ये दो कंपनीज के टाइप है। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि PRRL, P से प्रोहिबिट, सबसे पहला पढ़ा था दोस्तों हमने, प्रोहिबिट करती है प्राइवेट कंपनी खुद को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो पब्लिक इश्यू नहीं कर सकती है। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों ये है कि एक प्राइवेट कंपनी बाहर के लोगों से पैसा नहीं ले सकती है, बाहर के लोगों को कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल सकती है। सर काफ़ी जनरल बोल रहे हैं आप, कुछ इसमें लिमिट है क्या, नंबर्स की लिमिट है क्या, वो हम आपको बताएंगे कि पब्लिक इशू क्या होता है और प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है। तो जो प्राइवेट कंपनी है वो तो प्राइवेट प्लेसमेंट ही करती है पर वो पब्लिक इशू नहीं कर सकती है, यानी कि पब्लिक एट लार्ज, यानी कि बहुत बड़ी ऑडियंस से, बहुत बड़ी पब्लिक से वो पैसा नहीं ले सकती है। दैट इज़ व्हाई आई टोल्ड यू प्राइवेट कंपनी को क्रॉस कर दीजिए। यहाँ पर हम इस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस, जो यूज़ किया जाता है। सबसे पहला आंसर टू माय क्वेश्चन, विच कंपनी को ये ज़रूरत पड़ती है इस डॉक्यूमेंट की, सो दैट इज़ एवरी पब्लिक कंपनी। ओके नाउ विच पब्लिक कंपनी इज़, जो कंपनी ये अपील कर रही है लोगों से, आउटसाइडर से, कि आइए आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, बराबर है, आइए आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए तो आप हमारे शेयर होल्डर बनेंगे और ऐसे हम इतने लाख करोड़ की कैपिटल हम बटोर रहे हैं पब्लिक से। तो वो कार्य करने के लिए, वो काम करने के लिए प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जो सभी को दिया जाता है और जिसको प्लेस किया जाता है कि देखिए हम पब्लिक इश्यू कर रहे हैं। ओके सो बेसिक इज प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड बाय पब्लिक कंपनी टू अपील टू द आउटसाइडर्स टू इन्वेस्ट इन द कंपनी, टू इन्वेस्ट इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। ओके गाइज, अभी तो हुआ प्रोस्पेक्टस जनरल में क्या होता है। नाउ वी विल गो वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन क्या होती है। So, सबसे पहले डेफिनेशन, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन अगर हम पकड़े तो वो ये बोलती है कि प्रोस्पेक्टस वो होता है सो विच इज डिस्क्राइब्ड एंड इशूड एज प्रोस्पेक्टस। सर इसका मतलब क्या है, ये लॉ ना हमको हमेशा अम्यूज करता है ऐसी चीज़ें लिख के, इसका क्या मतलब निकल रहा है। स्टैट्यूटरी डेफिनेशन आपने लिखा है कि एनी डॉक्यूमेंट विच इज डिस्क्राइब्ड और इशूड एज प्रोस्पेक्टस। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जो प्रोस्पेक्टस की तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट को बनाया जा रहा है, इशू किया जा रहा है, उसे प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। ओके सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है। देखिए दोस्तों हर चीज़ का ना फंक्शन पकड़िए। सो प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट का फंक्शन क्या है, प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट का फंक्शन है कि वो बाहर वालों को बोल रहा है कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाइए। इट इज एन इन्विटेशन टू द ऑफर, मतलब कि वो एक जनरल ऑफर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, प्रोस्पेक्टस इज नॉट अ जनरल ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ चुके हैं। सो इट इज नॉट अ स्टैंडिंग जनरल ऑफर बट इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। ये इनवाइट कर रहा है लोगों को, हम दिखा रहे हैं कि देखिए ये हमारी कंपनी है, इसका ये नाम है, इसमें इतने लोग हैं, इतना ये हम काम करते हैं, हमें इतनी कैपिटल चाहिए, आइए हमें इन्वेस्ट करिए। सो प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू ऑफर टू द पब्लिक एट लार्ज टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। पब्लिक कंपनी की बात चल रही, प्राइवेट को तो हम बाहर कर चुके हैं, बराबर। इन्विटेशन टू ऑफर है दूसरा पॉइंट जिसकी बात कर रहा हूँ, जनरल ऑफर नहीं है। तीसरा पॉइंट पब्लिक एट लार्ज को हो रहा है कि स्पेसिफिक लोगों को नहीं हो रहा है, सभी को एक साथ दिया जा रहा है। और चौथी बात इस प्रोस्पेक्टस के अंदर आप ये समझिए कि प्रोस्पेक्टस मेरा पूरा कंपनी का एक पिक्चर दे रहा है। इट शोज द होल पिक्चर ऑफ माई कंपनी। सो फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी बड़ी सोसाइटी में फ्लैट देखने जाते हैं तो सोसाइटी का एक ब्रोशर होता है, वो आपको दिखाया जाता है कि देखिए सर ये हमारा पूरा सोसाइटी है, 4 विंग है, हर विंग में इतने फ्लोर्स हैं, जिम है, स्विमिंग पूल है, ये फैसिलिटीज़ है, वो फैसिलिटीज़ है, ओपन एरिया है, गार्डन है, और आप जो रहेंगे आप रहेंगे ए विंग के अंदर 9th फ्लोर के अंदर इस फ्लैट पे, आपको यहाँ से इतना व्यू दिखेगा। तो उसको जो चीज़ बेचनी है तो उसने पूरी सोसाइटी को बेचा कि हमारी पूरी सोसाइटी कैसी है। तो अगर मैं किसी को बोलूँगा कि मेरी कंपनी में पैसा लगाइए तो मुझे पूरी कंपनी का ओवरव्यू पिक्चर देना पड़ेगा, वही प्रोस्पेक्टस करता है। ओके, सो नाउ प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट। ओके, डॉक्यूमेंट अगला वर्ड, सर्क्यूलर अगला वर्ड, नोटिस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज एन एडवर्टाइजमेंट। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी नोटिस, कोई भी सर्क्यूलर या कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो बाहर के लोगों को इनवाइट कर रहा है टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द कंपनी, टू इन्वेस्ट इन द फंड्स ऑफ द कंपनी, ओके, इज कॉल्ड अ प्रोस्पेक्टस। इट इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर द पब्लिक इश्यू बाय पब्लिक कंपनीज। इट इज क्रिस्टल क्लियर इन योर हेड्स। आई थिंक हमने सभी पर्सपेक्टिव यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब आप डेफिनेशन देखिए, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन तो हमने समझ ली है कि डिस्क्राइब एंड इशूड एज प्रोस्पेक्टस, यानी सर अगर उसके चेहरे पर प्रोस्पेक्टस ना भी लिखा हो, उस पर कुछ डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा ही नहीं है कि वो प्रोस्पेक्टस है, पर सर वो काम जो फंक्शन जो है वो यही कर रहा है कि वो लोगों को बोल रहा है कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, तो भी सर हम उसको प्रोस्पेक्टस जैसे काउंट करेंगे। येस स्टूडेंट्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी डेफिनेशन। नाउ मूविंग ऑन, इट इंक्लूड्स व्हाट, डेफिनेशन में इंक्लूड्स, तो जैसे कि ओवरव्यू के अंदर हमने समझा था, ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, जो टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस है उसको हमने याद करा था। अब दी की रेड शेल्फ मेरी हो गई, छोटे भाई की हो गई, अब उसे अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, दी से DEE मतलब डीम्ड प्रोस्पेक्टस, शेल्फ यानी कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एंड रेड इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ओके, सो इट इंक्लूड्स, प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स शेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन नंबर 31 एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन नंबर 32 एंड any document, any circular, any notice and any advertisement which invites public to subscribe the shares of a public company, उसके लिए उस सभी चीज़ों को हम prospectus कहेंगे। Okay, so statutory definition is clear. It includes what, it is clear. Now see, थोड़ा हम इसको description देखते हैं definition का और क्या क्या है। सो दोस्तों, अब आप जब डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, हमने डिस्क्रिप्शन में उसको 4 बुलेट पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला बुलेट पॉइंट तो हमको पता ही है कि वो क्या कर रहा है, वो एक इन्विटेशन टू एन ऑफर है जो पब्लिक को किया जा रहा है, पब्लिक कंपनी के थ्रू किया जा रहा है, शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए किया जा रहा है, टू परचेज द सिक्योरिटीज ऑफ दैट कंपनी करने के लिए किया जा रहा है। उस कोई भी डॉक्यूमेंट, सर्कुलर, नोटिस या एडवर्टाइजमेंट को हम प्रोस्पेक्टस कहेंगे। इट इज सिंपल एंड क्लियर। नाउ हमने 2 एडिशनल पॉइंट्स इसमें समझे थे। पहला पॉइंट हमने सोचा था, इट इज नॉट अ जनरल ऑफर, इट इज इन्विटेशन टू द ऑफर। ठीक है, इन्विटेशन टू ऑफर क्यों बोला जा रहा है कि कंपनी तो इन्वाइट कर रही है, सर कंपनी इनवाइट कर रही है, और कंपनी क्या इन्वाइट कर रही है, इन्वाइट कर रही है, इन्विटेशन टू एन ऑफर, यानी कि जो लोग हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं, जो हम में इन्वेस्ट यानी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ऑफर हमको देंगे और हम उस ऑफर के लिए इन्वाइट कर रहे हैं। ओके, सो कंपनी डॉक्यूमेंट देगी, नोटिस देगी, सर्कुलर देगी, एडवर्टाइजमेंट देगी, यानी कि इन्वाइट देगी, इन्विटेशन करेगी, बराबर। और सामने वाला बंदा जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो हमको ऑफर देंगे कि हम इतना आपके अंदर, इतना एप्लीकेशन मनी के साथ में हम आप में इन्वेस्ट करेंगे, आप हमको अलॉट करिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन। तो जनरल ऑफर का हमने पहला चीज़ देख लिया। दूसरा हमने देख लिया कि प्रोस्पेक्टस जो होता है वो पूरी कंपनी का होल पिक्चर हमको दिखाता है, यानी कि फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या क्या लिटिगेशंस है, आपकी कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, आपकी कंपनी में कौन कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कौन प्रमोटर्स थे, कौन सब्सक्राइबर्स थे, ओके, एंड वेरियस थिंग्स। ये सभी जो ओवरऑल पिक्चर कंपनी का बता दे कि कंपनी कहाँ का लोकेशन पे काम कर रही है, हम क्या क्या ऑब्जेक्ट के लिए हम हमारी कंपनी बनी है, ये सब चीज़ें प्रोस्पेक्टस के अंदर इंक्लूड होगी। दोस्तों लेट मी टेल यू, एक प्रोस्पेक्टस किसी कंपनी का होता है, इट इज़ अराउंड 300 to 500 पेजेस, 300 से 500 पेज का एक पूरा प्रोस्पेक्टस होता है। और एक बार आप एक पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीज़ें होती है। नाउ रेस्ट्रिक्ट, हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं टू द सिलेबस ओनली। सो नाउ एक और मुझे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलना है, वो ये है सर, आपने बोला टू द पब्लिक एट लार्ज, यानी कि बाहर की पब्लिक को जब मैं इन्वाइट करता हूँ ऑफर करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, तब मैं उसको प्रोस्पेक्टस कहूँगा, उस डॉक्यूमेंट को, और उसका ये यूज़ है। तो सर जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जब मैं उनको ऑफर करूँगा तो क्या उसे हम पब्लिक इशू बोलेंगे, क्या हम उसे पब्लिक इशू में इंक्लूड करेंगे, क्या प्रोस्पेक्टस उन लोगों के लिए बनेगा? द आंसर इज नो। When you are issuing something to your existing general shareholders or your general shareholders, then it is not included in public issue. Okay, so this was one of the important point. Now we will discuss एक case law जो इस prospectus की definition से और meaning से related है, जिससे आपको और clarity आएगी and हो सकता है कि उस पर question भी आ जाए। So let's discuss this case law. तो दोस्तों अब आपको राइट हैंड साइड में एक केस लॉ दिख रहा होगा, वो केस लॉ का नाम पूरा याद आपको नहीं रहे तो आप इतना याद रख लीजिए, दैट वाज नाथ वर्सेस दत्त। नाथ वर्सेस दत्त का केस था। क्या हुआ कि एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था, मेरे पास एक कंपनी के 15% या 10% या फिर 5% जितने भी शेयर्स थे। फॉर एग्जाम्पल आई होल्ड 1000 शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, और मुझे वो 1000 शेयर्स अपने पास में अब नहीं रखने हैं और मुझे वो दूसरों को बेचना है। तो उस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने क्या किया कि उसने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया कि देयर आर फ्यू शेयर्स अवेलेबल विच जो मुझे बेचना है, देयर आर फ्यू अवेलेबल शेयर्स विच आई वांट टू सेल ऑफ दिस कंपनी एंड दीज मेनी शेयर्स। न्यूज़पेपर में इतना एडवर्टीजमेंट दिया, वहाँ पर कहीं भी कुछ भी प्रोस्पेक्टस है ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट दिया। अब केस ये था कि क्या हम उस एडवर्टीजमेंट को प्रोस्पेक्टस बोलेंगे? देखिए स्ट्रक्चर्ड डेफिनेशन में आपको पढ़ाई है, आप ध्यान से याद रखिएगा, तो वहाँ पर कहीं भी प्रोस्पेक्टस नहीं लिखा, बट कोर्ट ने बोला कि यस इट इज अ प्रोस्पेक्टस। व्हाई? बिकॉज व्हाट मैटर्स इज फंक्शन, मतलब कि वो एडवर्टीजमेंट का पर्पस क्या है, वो प्रोस्पेक्टस का ही काम कर रहा है। वो शेयर होल्डर बोल रहा है कि मैं बेचना चाहता हूँ उस कंपनी के शेयर्स को, तो वो पब्लिक एट लार्ज को ऑफर कर रहा है कि मेरे ये शेयर से आप लोग खरीद लीजिए। क्या होता है जनरल केस में, रियल लाइफ में एक कंपनी के शेयर्स दूसरे कंपनी होल्ड करती है बहुत सारे, वो कंपनी को अब वो शेयर्स अपने पास नहीं रखने हैं, तो वो कंपनी क्या करती है, वो ऑफर करती है दूसरे शेयर होल्डर्स को, जनरल बाहर जो पब्लिक में है, कि आप लोग मुझसे ये शेयर्स खरीद लीजिए, अब मुझे इस कंपनी के शेयर्स को होल्ड नहीं करना है। सो इट वॉज गुड एंड नाइस केस लॉ, नाथ वर्सेस दत्त, जिसमें हमको पता चला कि एक तो एडवर्टीजमेंट है उसको भी हम प्रोस्पेक्टस में काउंट करेंगे भले ही ना लिखा हो, पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी ये काम कर सकता है कि शेयर्स एट लार्ज पब्लिक को बेच सकता है, उस एडवर्टीजमेंट को हम प्रोस्पेक्टस ही बोलेंगे। ओके, सो इन दिस शीट वी हैव कवर्ड व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस, व्हाट इज इट्स मीनिंग और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इंक्लूड्स व्हाट, उसका हमने डिस्क्रिप्शन देख लिया है, उसी के साथ में हमने इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स देख लिए हैं। जनरल ऑफर नहीं है, इन्विटेशन टू द ऑफर है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में होती है, और टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, अगर कंपनी अपने ही शेयर होल्डर्स को ऑफर करेगी तो उसे हम प्रॉस्पेक्टस नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर देना हम राइट इशू बोलते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, इनफैक्ट अभी करेंगे, ठीक है। और हमने लेजेंडरी केस लॉ देख लिया है। Now, moving on to the next sheet, I want to discuss few definitions with you before getting this chapter started in its full capacity. So, हम कुछ sections और के साथ में definition फटाफट समझते हैं हमारी अगली sheet में। So, दोस्तों इसमें आपको कुछ definitions दिख रही होगी। So, I want you to be aware of these definitions and you should also remember the sections. So, we are talking about prospectus. Prospectus को रखो बीच में। Prospectus को बनाने में सबसे important हाथ किसका होता है? Promoter का। ओके, एंड इस प्रोस्पेक्टस को यूज़ कौन करता है? इस प्रोस्पेक्टस को यूज़ करने वाली कंपनी पब्लिक कंपनी। सो 270 में जो है डेफिनेशन वो है इसकी प्रोस्पेक्टस की, उससे पहले प्रमोटर बना रहा है तो 269 में प्रमोटर आ गया, और पब्लिक कंपनी उसको यूज़ कर रही है वो 271 में। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन हम समझ चुके हैं पहले ही, ठीक है, हम इनकॉर्पोरेशन के टाइम भी देख चुके हैं। प्रोस्पेक्टस की अभी हमने 270 में पढ़ी है डेफिनेशन, ओके। और प्रमोटर क्या होता है सेक्शन नंबर 3 में हम समझ चुके हैं, जब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हमने देखा था इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी चैप्टर के अंदर। सर गजब कवरेज हो गया, बहुत अच्छा रिलेट हो गया, कॉन्फिडेंस आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस। सो आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने आपको रिलेट करवाया, ओके। 269, 70, 71। नाउ मूविंग ऑन टू टू स्मॉल डेफिनेशन जस्ट टू गिव यू एन हाईलाइट रिलेटेड टू दीज टर्म्स। One is the right issue and other is bonus issue. Okay. So when we will study section number 23, जिसमें हम समझेंगे कि क्या क्या methods होते हैं capital को raise करने के लिए, तो हम समझेंगे कि उससे पहले कि right issue क्या होता है और bonus issue क्या होता है। So दोस्तों जब हम अपने ही existing shareholders को, क्या होता है कि जब कंपनी को और capital की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो वो बाहर से पैसा लेती है, जिसे हम prospectus कह रहे हैं, public at large से पैसे लेना। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बोलते हैं यार हमने क्या बिगाड़ा, हम तैयार है ना आपके अंदर और इन्वेस्ट करने के लिए, अगर हम 10 शेयर होल्डर करते हैं तो हम 10 और करेंगे, उसमें क्या है। आप राइट इशू कर दीजिए, उससे कहते हैं राइट इशू, मतलब कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले राइट है, पहला राइट उनको मिला हुआ है कि वो कंपनी में और शेयर्स खरीदें और इन्वेस्ट करें। सर इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है कि वोटिंग पावर डायल्यूट नहीं, अगर 10 शेयर होल्डर थे तो 10 के 10 अब उतने ही शेयर्स और खरीद रहे हैं, तो वोटिंग पावर उतनी की उतनी है। तो कंपनी राइट इश्यूज करती है 1:1, 1:2 के रेशियो में, ऐसे अलग अलग तरीके से, ओके। दिस इज अ राइट इशू। सो राइट इशू को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ अ नॉन डाइल्यूटिव प्रो राटा बेसिस टू रेज कैपिटल, मतलब कि वोटिंग पावर डाइल्यूट नहीं होती है, सब उतने उतने शेयर्स और खरीद लेते हैं और वही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं। बोनस इशू क्या होता है? बोनस इशू में दोस्तों हकीकत क्या होती है कि पैसे तो कंपनी लेती नहीं है, कंपनी बोनस इशू करके कोई पैसे तो लिया ही नहीं उसने शेयर होल्डर से, उन्होंने सिर्फ शेयर्स दिए। सर ऐसा क्यों कर रही है कंपनी? कंपनी इसलिए कर रही है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर ये काम करना हो तो कंपनी क्या करती है, ऐसी सिचुएशन में सिर्फ लाइबिलिटी साइड ही अफेक्ट होती है, असेट साइड हिलती नहीं है, क्योंकि पैसे तो हकीकत में आए नहीं है, बैंक हमारा हिट ही नहीं हुआ है। तो क्या होता है सर इसमें कुछ नहीं, हमने डिविडेंड वाले दिन में भी देखा था कि बोनस इश्यूज कैसे होते हैं, डिविडेंड इशू कैसे होते हैं। वो यहाँ पर लॉजिक है कि कुछ नहीं, कंपनीज अपना रिजर्व से पैसा निकाल कर कैपिटल में डाल देती है, ओके। अभी के लिए इतना काफ़ी समझने के लिए। सो रिजर्व से वो चीज़ हट कर आपके कैपिटल में हिट हो जाती है, सिर्फ लाइबिलिटी साइड ही हिट होती है। सो दिस इज बोनस इशू एंड राइट इशू जो हमने समझा। उससे पहले हमने प्रमोटर, प्रोस्पेक्टस एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पब्लिक कंपनी, ऐसी 3 डेफिनेशन हमने देख ली है, पढ़ चुके हैं। नाउ मूविंग ऑन, सर आप शुरू से पब्लिक इशू बोल रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट बोल रहे हैं, सर दोनों में डिफरेंस क्या है समझा दीजिए। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको पढ़ाऊंगा, ये भी बता देता हूँ आपको कि पब्लिक इशू क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, एंड एट द लास्ट वी विल स्टडी सिक्योरिटी। सर हम ये सब डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए डेफिनेशन में, मतलब कि मेन प्रॉस्पेक्टस की डेफिनेशन में जो भी वर्ड्स आए वो हमने समझ लिए हैं। पब्लिक को इशू किया जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया जाता है, प्रमोटर इसको बनाते हैं, सिक्योरिटीज खरीदने के लिए प्रॉस्पेक्टस बनाया गया है, वो सब हम इसमें समझ रहे हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस पब्लिक इशू। तो सर जब कंपनी पब्लिक से पैसे मांग रही है टू रेज कैपिटल, टू रेज द फंड्स, उसके कुछ तरीके सर हो सकता है कंपनी पहली बार ही ऑफर कर रही हो, पब्लिक इशू कर रही हो, तो उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। सबसे पहली दफ़ा जो कर रहे हैं उसे इनिशियल कहते हैं। बार बार बाद में और कर सकते हैं, तो उसे FPO कहते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर, बराबर है। और इसके अलावा पब्लिक इशू में हम एक चीज़ को काउंट करते हैं कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी ये काम कर सकता है, वही बोल सकता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हमने नाथ वर्सेस दत्त के केस में देखा, तो वो पब्लिक को वो ऑफर कर रही है कंपनी जो एक शेयर होल्डर है ऑलरेडी, कि मैं इस कंपनी के शेयर्स को बेचना चाहती हूँ, ये शेयर्स अवेलेबल है, आई एम विलिंग टू सेल दैम। वो भी मतलब एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी ये काम कर सकता है, वो भी पब्लिक इशू में ही आता है। ओके, सो ये तो IPO, FPO एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, इन तीन तरीके से पब्लिक इशू हो सकता है, पब्लिक ऑफर हो सकता है, इसलिए पब्लिक ऑफर के डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। नाउ रिलेटेड टू केसेस आई वांट टू डिस्कस इट विद यू, ठीक है। सो दोस्तों, पहला केस में डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपको ये ऑफर दिया जा रहा है कि आप एक कंपनी के शेयर्स खरीदिए या बेचिए, उसके बदले में आपको दूसरे कंपनी के शेयर्स देंगे। मतलब कि ये थोड़ा सा क्या हो गया, बार्टर टाइप का हो गया, इन एक्सचेंज ऑफर हो गया। तो क्या हम उसे प्रोस्पेक्टस कहेंगे? नहीं, प्रोस्पेक्टस इसलिए नहीं कहेंगे कि वो उससे हमें पता नहीं चल रहा है कि जो पब्लिक है उसका इंटरेस्ट किस कंपनी में इन्वेस्ट करने का है, उसे ही हम ये ऑफर दिया जाता है, जो इस केस में नहीं है। इट इज़ नॉट अ प्रोस्पेक्टस। क्या सर इन एक्सचेंज ऑफर मतलब एक कंपनी का शेयर्स दीजिए, उसके बदले में दूसरा कंपनी का शेयर्स मिलेगा, उसे हम प्रोस्पेक्टस नहीं कहेंगे। और दूसरा केस ये है कि अगर कीथन कीन मतलब कि कीथन कीन ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि डायरेक्टर के जो कीथन कीन है मतलब कि जो रिलेटिव्स है, जो उसके आस पड़ोसी है, जो उसके चाहने वाले लोग हैं, जिनको इन्फ्लुएंस करता है, उन सभी लोगों को ऑफर करना पब्लिक ऑफर नहीं होगा। कि डायरेक्टर खुद ही कंपनी का क्या कर रहा है कि अपने ही सभी रिलेटिव्स को, कीथन कीन को उसने ऑफर कर दिया, उसे पब्लिक ऑफर हम नहीं कहेंगे। तो ये दो केसेस हमने डिस्कस करें, किसके अंदर? पब्लिक ऑफर के अंदर। नाउ सर प्राइवेट प्लेसमेंट बिल्कुल उल्टा है। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को ऑफर किया जा रहा है, पब्लिक एट लार्ज को नहीं किया जा रहा है। सर उसमें क्या नंबर है, 50 और 200? 200 की लिमिट अभी है, 200 के ऊपर अगर आप करेंगे तो वो पब्लिक ऑफर में चले जाएगा, वो प्राइवेट नहीं बचेगा, ठीक है। मतलब कि आप 50 तो करिए ही, 50 से ऊपर जाएंगे, 200 तक, अगर 200 के ऊपर आप निकले तो दैट विल नॉट बी अ प्राइवेट प्लेसमेंट, बट दैट विल काउंट टू बी एज अ पब्लिक ऑफर। सर ये 200 काउंट करने के लिए हमको क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है? QIP मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, QIB, और उसके साथ में जो ESOPs होते हैं मतलब कि हमारे एग्जीक्यूटिव शेयर होल्डर्स को जो हम शेयर्स देते हैं, उनको इनमें 200 में काउंट नहीं करना है, ESOP स्कीम के अंदर जो हुआ। ओके, नाउ द लास्ट डेफिनेशन है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इसमें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बॉन्ड्स हो, शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी वो भी हो, ठीक है, ये सभी चीज़ें सिक्योरिटी में आता है, ठीक है दोस्तों। तो सिक्योरिटीज़ की बात करी हमने, सिक्योरिटीज़ में जो भी चीज़ें इंक्लूड हो रही है उसमें आप म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलिए, बॉन्ड्स बोलिए, शेयर्स बोलिए, डिबेंचर्स बोलिए, ये सब चीज़ें होंगी। सो गाइज, इस पूरी शीट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख ली है, जिसमें मैं आपको एक बार क्विकली बता देता हूँ। उन डेफिनेशन में सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन 269, 270, 271 विच आर प्रमोटर्स, प्रोस्पेक्टर्स एंड पब्लिक कंपनी रिस्पेक्टिवली, ये हमने देखा। देन हमने समझा कि राइट इशू क्या होता है, बोनस इशू क्या होता है। राइट इशू इज नथिंग बट, जिसे हम एक कहावत है बोला जाता है कि घर में छोरा गांव में ढिंडोरा, मतलब कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं कि हम ही पहले करते हैं ना यार, इन्वेस्टर बाहर वालों को क्यों बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड राइट इशू। बोनस इशू इज नथिंग इशूइंग मोर शेयर्स नॉट विथ मतलब कलेक्टिंग कैश बट रिजर्व से उसको शिफ्ट करके शेयर कैपिटल में बढ़ा देना, दैट इज बोनस इशू, ये भी एक तरीका है। फिर हमने देखा कि पब्लिक ऑफर क्या होता है, IPO, FPO एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी कर सकता है। उसमें हमने देखा कि एक्सचेंज ऑफर नहीं चलेगा, उसे हम प्रोस्पेक्टस नहीं कहते हैं। कीथन किन को मतलब डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स को दे देना, उसे हम पब्लिक ऑफर नहीं बोलते हैं। हमने देखा प्राइवेट प्लेसमेंट अगर आपको करना है तो स्पेसिफिक ग्रुप को किया जा रहा है, ना कि पब्लिक एट लार्ज को किया जा रहा है। मतलब कि एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स जिन्हें हम कहते हैं, जैसे ये LIC है, तो ये सब क्या करते हैं कि किसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो अकेले केपेबल होते हैं, उनको पब्लिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बट 200 जब हम काउंट करेंगे तो हम QIPs को और ESOP को काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद में हमने देखा क्या सिक्योरिटीज की डेफिनेशन क्या होती है, विच वॉज 2 सबसेक्शन 81, विच वॉज वेरी सिंपल। नाउ दोस्तों, तो फटाफट इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं। प्रोस्पेक्टस आपने देखा है, एक डॉक्यूमेंट है, एक सर्कुलर है, एक नोटिस है जिसे, और एक एडवर्टाइजमेंट है जो लोगों को इनवाइट कर रहा है टू सब्सक्राइब शेयर्स, टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। दिस इज द वे फॉर public company only. This is the way of raising capital and funds from the public. Okay, ये डॉक्यूमेंट किसके लिए बनाया जा रहा है? प्रोस्पेक्टस बनाया जा रहा है लोगों के लिए, उनको पूरा कंपनी का होल पिक्चर दिखाने के लिए। फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, कुछ केसेस लिटिगेशन चल रहे हैं क्या, किस सेगमेंट में हम काम करते हैं, एक्सेट्रा। पूरा होल पिक्चर ऑफ द कंपनी डॉक्यूमेंट में रहेगा। 300 से 500 का पूरा पेज का डॉक्यूमेंट रहेगा, बराबर है। और ये डॉक्यूमेंट हम किसके लिए बना रहे हैं? हम सेबी को देंगे, क्योंकि हमको ये पब्लिक इशू करना है। सेबी कौन है? सेबी स्टॉक एक्सचेंज को संभालने वाली बॉडी है। हम उनको देंगे कि देखिए हमको पब्लिक इशू करना है, हमें रजिस्टर होना है, इसके हमें प्रोस्पेक्टस बना रहे हैं। ओके, सो ये प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन हुई। उसमें इंक्लूड होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, वो हमने देख लिया है। हमने एक अच्छा लेजेंडरी केस लॉ देख लिया है, जिसमें हमने देखा था नाथ वर्सेस दत्त, जिसमें वो एडवर्टीजमेंट दे रहे थे और एडवर्टीजमेंट में कहीं प्रोस्पेक्टस नहीं लिखा है, बट फंक्शन वही था, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे एज अ प्रोस्पेक्टस ओनली। सर ये जनरल ऑफर है कि इन्विटेशन टू एन ऑफर है? इट इज़ एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। सर ये एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किया जा सकता है क्या? नहीं, एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर को जो हम करते हैं उसे राइट इशू कहते हैं। हम पब्लिक एट लार्ज को बाहर दे रहे हैं, उससे हम प्रोस्पेक्टस कहेंगे, पब्लिक ऑफर कहेंगे। ओके, और सर इसके अलावा ये जो प्रोस्पेक्टस बना है, उस प्रोस्पेक्टस में हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, वही सब मैंने आपको बता दिया। पूरी फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड होल पिक्चर ऑफ द कंपनी हमको इसमें इंक्लूड करना रहता है। ओके दोस्तों, सो ये हमने देखा है कि प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या होता है, बेसिक्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस रिलेटेड क्या क्या है। अब हम समझेंगे कि इस प्रोस्पेक्टस जो बनाया जाता है, ये प्रोस्पेक्टस का मेन फंक्शन क्या है? सिक्योरिटीज को इश्यू करना, मतलब कि पब्लिक से पैसा उठाना और लेना। तो इसके कितने तरीके होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, वो हम सबसे पहले सेक्शन में देखेंगे, सेक्शन नंबर 23, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको प्रोस्पेक्टस का मतलब अच्छे से समझ में आ गया हो। थोड़ा सा वीडियो बड़ा इसलिए हुआ, एलोबरेटिव तरीके से हमने इसको समझा है, आपको और कहीं रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सभी ऑथर से, सभी हमारा मॉड्यूल का जो इंस्टीट्यूशन का जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, वहीं से भी हमने पूरा डेटा ले लिया है। आपको मेरी कोशिश रहती है एट वन प्लेस एट वन गो आपको पूरा कवरेज मिल जाए। सो आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, यूर स्टडिंग गुड, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ई कीड़ा चैनल को। पढ़ते रहिए और देखने के लिए धन्यवाद।